खाना जाया करता है ये बदमाश। So guys, welcome back to the new vlog। भाई कोको देखो हमारी किधर चली गई है। भाई इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो गया है। सुबह सुबह माँ जिसको लेके निकली वॉक पे, भाई ये कीचड़ के अंदर जाके ना बैठ गया उधर ही, ना निकल रहा उधर से ना वापस आ रहा है। भाई इतना गंदा कीचड़ है, मुझे जाते हुए अंदर शर्म आ रही है। तो भाई कुछ चीज ही ना हो अंदर, लेकिन जानना तो पड़ेगा भाई कोको अंदर फंस गया। कोको भाई इधर पाँव भी सारे तिला हुए गया था मैं अभी, बस कोको ओ तेरी भाई सारा कीचड़ है इधर, जूतियां इसके अंदर फंसी हैं। कोको को पता नहीं क्यों इधर मजा आ रहा है। कोको आज तेरी फेंटी लग जानी है, ये क्या किया है तूने भाई गंदे पानी के अंदर। कोको आज तुझे मैंने ऐसा नहलाना है ना, बेशर्म। चलो आ जाओ बाहर। कोको बहुत गंदा हो गया, बहुत गंदा। चल बाहर चलो, गुड चलो चलो भाई, इसको ना घर लेके चलते हैं और इसको ना फ्रेश पानी से नहलाते हैं। और ये देखो खुद भी नहाना पड़ेगा कोको की गलती की वजह से। नहीं कोको साहब मजा नहीं आया, तो ये रेत के अंदर भी जरा छलांग मार लो। किस 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 अब्बे ने कहा था तू अंदर जा, है अब मुंह लमकाया हुआ, गंदी बच्ची ना हो तो कोको भी सारी गीली और गंदी हुए रेत पे ना लगी। कोको चल घर, चलो चलो गो, चल चल शाबाश, गो गो गो, गुड गुड भाई। देखो अब जो है ना सीधी घर जाएगी। तो गाइस कोको को मैं घर पे ले आया हूँ और भाई डायरेक्ट वॉशरूम के अंदर। मैंने कहा नहीं भाई, भाग रहा था कमरे के अंदर, मुझे ना नहलाओ कोको, अभी तेरा मैं बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ लोगों को। असल में तू बड़ी प्यारी है, बहुत प्यारी है तू, मेरी जान मेरी कोकिया मोकी है। लेकिन भाई कोको की जो शरारतें और मस्ती है ना आजकल, भाई कीचड़ के अंदर गई तो गई क्यों, समझ नहीं आई कोको आपकी, करने क्या गई थी मेरी मीचड़ी मीचड़ी। आंखें भी रेड हो गई कोको, तो ये बुखार ही ना हो जाए भाई। भाई ये ना हो कि कोको को उसकी वजह से बीमारी हो जाए, तो फटाफट से मैं कहता हूँ कि कोको को उसके स्पेशल शैम्पू से नहला देते हैं। ये वैसे ना हर काम आता है, मतलब बीमारी शिमारी ये वो कीड़े शीड़े खत्म करने के लिए। तो कोको नहाए फिर चलो इसको। कोको पूरा ही पूरी हीरोइन बन गई है कोकी है। इधर तो देख कोको भाई, देखो तो सही कोको के ऊपर बाल कितने प्यारे लग रहे हैं, बस ये जगह कोको की रहती के लिए सूखती। कोको अपना बैक शेक तो दिखाओ भाई, देखो कितनी प्यारी लग रही है, फुल फ्लफी बाल लग रहे हैं कोको के। ओए होए भाग जा भैया, थोड़ी सी ये है ना मेरे से तंग पड़ दे, क्योंकि मैंने नहलाया ना इसलिए भाई, इनको नहलाओ तो थोड़ा सा ना हो जाते हैं दूर दूर हमारे से। अभी कोको फिर राजी बाजी हो जाएगी भाई। कोको को हम लोग कल वॉक पे भी लेके जाएंगे। आ जाओ कोको चले। भाई कोकिया तू छुप क्यों रही है भाई, कल लेके जाएंगे आज नहीं, मुझे आज तो है हम लोगों को नहलाया ना, ये ना आज फिर गंदी हो जाए, तो कल लेके जाएंगे, कल गंदी हो भी की खैर है। सर इस कोको का नहला धुला के हम लोगों ने पूरा हीरो बना दिया, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना जग्गू को भी हीरो बना दिया जाए, मतलब जग्गू की फेंटी लगा दी जाए भाई, आगे से हंस रहा है जग्गू तेरी क्लास ना लगा दी जाए भाई। मैं तो कहता हूँ जग्गू को भी लगे हाथों ने ला देते हैं, बड़ा गंदा हो रहा है जग्गू, उल्टी आने लगी थी। नहीं भाई जग्गू हमारा बड़ा साफ सुथरा है भाई, पैंपर लगा के रखता है, लेकिन ना इधर से थोड़ा सा गंदा हो गया भाई, थोड़े से तो खैर है ना, फिर थोड़े बहुत ही हम मस्तियां करते हैं तो हम गंदे हो जाते हैं। मैं चुन्नी मुन्नी जग्गू बदमाशरी। वो जग्गू ये रिक्शा किसका, जग्गू रिक्शा लेके भाग ना जाए। नहीं जग्गू चोरियां नहीं करता, देख लिया वो रिक्शा खड़ा है, मैं तो कहता हूँ जग्गू लेके निकलते हैं जरा लॉन्ग रूट पे। तो भाई जग्गू के पैंपर जो है ना तकरीबन खत्म होने लगे हैं भाई, ये वाला जो था ना पैंपर ये सेकंड लास्ट था भाई, इसके बाद जो है ना सिर्फ एक पैंपर रह गया भाई। ये पूरा पैकेट हम लोग लेके आए थे सारा खाली हो गया, इसमें ना सा ना सिर्फ एक रह गया खाली, ये वाला, ये हम कल बना देंगे। फिर परसों जो है ना जग्गू के पैंपरों की जरूरत होगी और फिर नए पैंपर लाने पड़ेंगे जग्गू के लिए। ये चीज भाई कौन कहता है जग्गू बात नहीं मानता, जग्गू सारी बातें मानता है, समझ भी सारी आती है। तो भाई ओए जग्गू मैंने तो अभी नोट किया तुम नंगा घूम रहा है, शर्म नहीं आती। मैं कहता हूँ तेरा पैंपर भी उतार दे, तो सारे ना जरा शेम फाड़ी जग्गू की करो भाई, कपड़े पहनने का कोई पता नहीं होता है बदमाश। भाई जग्गू को जाना कपड़े पहनाते हैं, वो भी टिकटॉक स्टाइल में। ये 3 2 1 जग्गू आजा, शाबाश ये चीज जग्गू। ओए ये क्या किया, ये तू काट काट के फेंकी, वो भी खैर काट काट के फेंकी जा रहा, लगता है इसने सुबह खाना खा लिया। जब जग्गू खाना खा लेना तो ये फिर फिट बगाड़ियाँ करता है, मतलब खाना जाया करता है ये बदमाश। चल ये ले के भाग जा है। ओ देखो किधर चला गया जग्गू, ये देखा अब बैठ के नीचे बैठ के खाएगा। सो गाइस काफ़ी दिन हो गए थे हमारा टर्टल ना पानी के अंदर था, बल्कि दिन क्या हफ्ता हो गया था, कोई
दो ही कोफ्ते हो गए। तो सोचा कि इसे है ना हम लोग बाहर निकाल देते हैं ना, जरा जमीन पे छोड़ते हैं, जरा चले फिरेगा, टांगे खुल जाएंगी, पानी में ज्यादा देर भी तो नहीं ना रखना भाई। जिनसे लिया था उन्होंने बताया था कि टर्टल जो है ना भाई वीक में एक दफा आपने बाहर तो निकाला करना। तो येलो बी से ना हम लोग जमीन पर रख रहे हैं। ओए दूर चेक करो, भाग गया भाई, स्पीडें बड़ी हैं हमारी। कौन कहता है भाई टर्टल स्लो दौड़ता है? इधर तो देखो ना, छोटा सा है, मैं सोच रहा हूँ अगर ये बड़ा हो तो क्या करेगा, ये तो भाग जाएगा भाई। आगे जो है ना वो सामान वगैरह पड़ा है उसके अंदर ना चला जाए, वापस आ जाओ भाई, स्पीड देखो आगे से भाई, इधर इधर को चलो ऐसे ना, इधर इधर को, हाँ ओपन ओपन में रहो भाई, ये ना ये किसी चीज के अंदर चला जाए, मैं देखते ही रह जाऊँ फिर, मेरे सामने सामने रहना है भाई। इसको ज्यादा लंबी वॉक नहीं कराएंगे, ये ना हो गई गुमी हो जाए। चलो अभी चलो दोबारा आ जाओ, इधर से इधर को जाओ, अपने ही रस्ते बनाए हुए हैं वैसे, हैं क्यूट क्यूट टर्टलों भाई, अच्छी बात है, चले फिरेगा। सो गाइस कल जो है हम लोगों ने बताई थी जग्गू की स्टोरी कि जग्गू हमें मिला किधर से था, आज से 5 महीने पहले मैं जग्गू मिला था। खैर भाई जिस जिसने नहीं देखी वो जाके फटाफट वो व्लॉग देख ले, कल अपलोड हुआ था। और भाई आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते ना यार, मैं कहता हूँ और आप लोग भी नहीं करते, दोनों हम लोग एक जैसे हैं। खैर भाई सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ऑल पे कर दो, क्योंकि कल हम लोग बताने लगे हैं हिमालयन की स्टोरी, क्योंकि भाई एक भाई का कमेंट आया था कि भाई हिमालयन का बताओ, हिमालयन किधर से आप लोगों को मिली भाई। हिमालयन भी हमारे पास 5 महीने पुरानी नहीं, हिमालयन हमारे पास ना 1.5 साल पुरानी बिल्ली है, और बड़े बड़े कारनामे इसने दिए हुए हिमालयन। ओए हिमालयन चुई चुई मूछ पा रही है, चुई मूछ पा रही है, आप हैं मिटुन्नी मुन्नी, बच्चों का ख्याल कोई नहीं। देखो मेरे कमरे में आई हुई और बच्चे इसके साथ वाले कमरे में। हिमालयन साहब अपने ना बच्चों शच्चों का ख्याल रखा करो, मैं चुई के मुई ये बच्चे नहीं है तेरे भाई, ये ना हिमालयन के साथ साथ बड़ा जुड़ा रहता है पता नहीं क्यों। चले भाग जा टिड्डे। ओए हिमालयन कल तेरी स्टोरी बताने लगे हैं, खतरनाक तरीन बिल्ली, इसके दांत बड़े खतरनाक है, देख के एक बार डर लगता है, लेकिन हिमालयन है बड़ी मासूम। वैसे ना आज तक हिमालयन ने कभी किसी पे अटैक नहीं किया, कभी किसी से फाइट नहीं की, अच्छी बिल्ली है। ओए हिमालयन तेरी बड़ी तारीफें हो रही हैं, तारीफें हो रही हैं हिमालयन की, हिमालयन की, हिमालयन काले मुंह वाली भाई। सारी गैंग जो है हमारी इकट्ठी हो गई है टैनी मैनी की। क्या कह रहे हो, मेरी टांगे खानी है तुम लोगों ने भाई? इन्हें मैंने ना सुबह सुबह डाइट दे दी थी, है ना हिमालयन, हिमालयन बताओ, हिमालयन तू भी इनके साथ भूखों की तरह लगी हुई है भाई। इन लोगों को मैंने डाइट दी भी थी, तुम्हें मैंने वह डाइट दी थी ना मेरी टैनी मैनी सोनी नोनी भाई। ये लोग कह रहे हैं हमें ना ज्यादा डाइट दो ताकि हम ओवर ईटिंग करें और हमें मोशन लग जाए और हम फिर बीमार हो जाए, फिर हम डॉक्टर के पास जाए, फिर हमें टीके लगे। ये कहना चाह रहे हो आप हैं बेटा? आपको ज्यादा अगर डाइट दे दी ना भाई, इनकी ना ये हेल्थ के हिसाब से बिल्कुल ठीक दी है, दिन में 3 दफा देते हैं हम लोग, ताकि थोड़ी थोड़ी करके ना 3 दफा दें, इकट्ठी दे दें फिर बीमार हो जाएंगे। तो ये हिमालयन के बेबी तो देखें कितने बड़े हो गए। ओए होए 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 भाई, ये पता लॉन्ग कोट का किटन है गाइस, उसके ऊपर जो फर है ना, ओए होए होए होए, और प्योर पंच फेस के अंदर भाई, बहुत अच्छा बच्चा दिया हिमालयन ने, ब्लू आइज। इसको नीचे रखते हैं भाई, चल के दिखाओ, मेरे ख्याल से ना ये चल लेगा थोड़ा थोड़ा। ओए हिमालयन भी देखो आगे, हिमालयन को अपने बच्चे की कितनी फिक्र है। ओए चुन्नी मुन्नी हिमालयन भाई, सारे किटन्स ना इसे देखने हैं कि ये क्या चीज़ है भाई, तुम लोगों के साथ कही है, तुम लोग भी बचपन में इसी तरह होते थे क्या भाई? बड़े हो जाओ यार फटाफट, फिर हमारे पास पता है टोटल कितने किटन्स हो जाएंगे, फिर कहते हमारे पास टोटल हो जाएंगे 9 किटन्स, मैं तो दुकान डाल लूंगा। ओए गज लड़ाई होगी मेरी, गज मुझे बचाओ। ओए होए गज, दोनों हाथों से मेरे फटे बाज ही। ओए तेरी भाई, वो भी उसका दोस्त आ गया उसे बचाने, ये भी उसे आ गया बचाने, भाई मेरे सब फटे फटे करते हो हैं। सो ये बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि आपने अपने कबूतर का बच्चा जो दिखाया था ना, पिजन का बेबी जो दिखाया था, उसको आप अपने कंधे पे बिठाओ और टेम करो भाई। कुछ लोग कह रहे थे कि उसको जब आप टेम करोगे ना, कि वो कंधे पे बैठा होगा, उड़ के जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। वाह भाई करेंगे यार, मजा आएगा। बट ये है कि भाई मुझे कुछ तरीका नहीं है, पहले हम तरीका पूछेंगे उसके बाद करेंगे भाई। ये देखो ये वाले तो बड़े हैं ना, ये टेम हो ही नहीं सकते भाई। वैसे ये जो बेबी बैठा है ना, ये टेम हो सकता है, बस ये अगर टाइम देना होगा और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो भाई हम लोग ये काम करेंगे कि पहले पता करेंगे कि टेम होता कैसे है जिससे लिया, फिर हम लोग बैठाएंगे कंधे पे। ये ना हमें वैसे ही कंधे पे बैठाऊँ घिरे और उसकी कोई टांग शांग टूट जाए, तो उस तरह उसको नुकसान भी होगा, बट हम सेफ तरीका करेंगे, पहले पूछेंगे टेम होगा कैसे, फिर हम कल जो है ना लाजमी कंधे पे बैठाएंगे इसको। सो गाइस इधर जो हम अपना व्लॉग करते हैं, व्लॉग अच्छा लगा लाइक कर दो, और भाई जो पिजन वाली बात थी वो हम कल कंफर्म कर लेंगे भाई, पूछ पुछा के कंफर्म करके हम लोग जो है उसे अपने कंधे पे बैठाएंगे भाई, मस्त हो जाएगा। इस तरह मैं व्लॉग बना रहा हूं, मेरे कंधे पे बैठा होगा, क्या ही मस्त लगेगा यार। वैसे आइडिया आप लोग बड़ा अच्छा देते हो, कह रहे हैं अपना ढेर सारा ख्याल रखो, ऐसा ना हो मेरा एक आधा सब्सक्राइबर कम हो जाए। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।